चैप्टर नंबर 2 8.2 जो है उस चीज़ को समझने के लिए तुम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना होगा, जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री का क्या होगा। तो यह हमें कैसे याद रखना है उसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक के सहारे हम बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। वो कैसे थे, जैसे साइन यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी का वैल्यू हम कैसे याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक याद रखना, साइन 0 से स्टार्ट किए, 0 से, तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट किए, फिर 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, यह एंड कहाँ पे हुआ था, 4 पे एंड हुआ था, तो 4 से हम लोग डिवाइड भी करना स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद हम इसको क्या चीज़ में रखते हैं, अंडर रूट में रखते हैं, रूट के अंदर इसको डाल देते हैं और देखो इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। 4 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, देखो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या देगा, 0 उसका रूट, 1 का रूट, 0 का रूट क्या देगा, 0 ही देगा, 1 का रूट क्या होता है, 1, और 4 का रूट क्या देता है, 2, 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1, और 2 का नहीं निकलेगा तो ये रूट फंसेगा, वैल्यू होता है दशमलव में, पॉइंट में। रूट 3 छोड़ देंगे इसको, और 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2, और 1 का क्या रूट निकलेगा, 1। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक इसी प्रकार कॉस के लिए अगर बात करें, कॉस थीटा का वैल्यू अगर याद रखना चाहते हैं तो इसी को हम उलट के लिख देंगे, पहले 1 उसके बाद क्या लिखेंगे √3/2 उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 1/√2 उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2 उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 10 का, तो 10 का वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं, तो इससे पहले हम फार्मूला तुम लोग को बता चुके हैं कि 10 थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यह फार्मूला तुम लोग को काम देने वाला है। कोई बोलेगा 10 0 का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे 10 0 डिग्री बराबर, यहाँ पर भी लिखेंगे साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0, साइन 0 का वैल्यू 0, और साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 0 कॉस 0 का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, 1, तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, 0, तो 10 0 का वैल्यू कितना, 0। अगर 10 30 डिग्री का कोई मान पूछता है, 10 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 10 30 बराबर यहाँ पर लिखा होगा साइन 30 डिग्री अवट्टा कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2, ये क्या चीज़ का सिंबल है, डिवाइड का, तो डिवाइडेड बाई, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है क्या चीज़, देखो यहाँ √3/2, यहाँ पर रखते हैं लोग √3 और √2, तो डिवाइड है तो क्या चीज़ में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। तो इस प्रकार तुम लोग 10 का भी मान निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग, देखो किसका किसका मान निकालना है, लोगों को निकालना होता है 6 अनुपात का, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू निकालना होता है। तो देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/ कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/ कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ध्यान से समझना, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/ साइन थीटा। ये देखो कैसे, वो भी चीज़ को समझना है तो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते बात को कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। वो कैसे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज़, लंब अवट्टा कर्ण, जबकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया ना 1। तो यहाँ पर देखो अगर हम कॉसेक थीटा निकालना चाहे तो कॉसेक को रोक लेंगे और ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/
साइन थीटा, कोई आदमी तुमसे पूछ दे कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत देखे हैं निकाल के क्या आया था 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो ये क्या चीज़ का सिंबल है डिवाइड का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको लिखेंगे 1 × 2/1 यानी कि 2, कितना आ गया 2। फिर से देख लो, नहीं दिख रहा होगा सही से, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ देखो 1/ क्या है साइन 30 डिग्री बराबर 1/, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला था कोसेक 30 डिग्री का मान, तो 1/sin 30 डिग्री, साइन का वैल्यू क्या था साइन 30 का वैल्यू 1/2 था, तो 1/2 से क्या चीज मिल जाएगा मल्टीप्लाई में, और क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार तुम लोग याद रख सकते हो, और नहीं तो एक और तरीका कैसे हम सोच सकते हैं, सेकेंड हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको क्या कर दे पलट दे, जैसे देखो यहाँ पर कैसे याद रखते हैं कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1, उलट दी √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1, तो कॉसेक 0 का, देखो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है 1/sin, यहाँ पर होगा 0 डिग्री, तो 1/sin 0 का वैल्यू कितना 0, 0 से कोई चीज़ में डिवाइड करते तो क्या आएगा अनंत आएगा, इन्फिनिटी, टेबल 0 के टेबल में 1 इन्फिनिटी टाइम्स आएगा, मतलब पढ़ते रह जाएंगे, दिन बीत जाएगा, तो क्या हो गया ये 0। इसका प्रूफ पढ़ना है लेकिन अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना है इस क्लास में, ठीक है, तो क्या तुम लोग अनुपात को याद रख सकते हो, अगर तुम अनुपात याद रखते हो तो बहुत आसानी से प्रश्न 8.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यह हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, क्वेश्चन क्या है निम्न लिखित के मान निकालिए, यही ना है, निम्नलिखित के मान निकालिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये निकालना है, इतना बराबर क्या लिखेंगे, तो देखना साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 देखो √3 × √3 तो √9 अब 2 × 2 = 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 का 2 को 2 से तो 2 × 4 9 का अंडर रूट क्या देगा 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम क्या होगा इसका 4 यहाँ से 4 के टेबल में 4 कितना टाइम्स आता है 1 टाइम्स तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 प्लस 4 के टेबल में 4 कितना टाइम्स आता है 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 यानी कि 4/4 4 × 1 = 4 यानी कि 1 यही तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या इस प्रकार तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोलो 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यही ना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 के जगह 2 रहने देंगे, 1045 का वैल्यू 1 होता तो 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, कॉस 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं √3/2 उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, कॉस साइन 60 का वैल्यू भी क्या होता है √3/2 तो √3/2 पुट करेंगे और बड़ा आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देखना कैसे 2 की जगह पर 2 रख दिए, 1045 का वैल्यू कितना होता है
वन, तो वन का स्क्वायर लिख दिए प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई टू स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। ध्यान देना ये चीज़ तो कैंसिल, सेम वैल्यू है एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल। यहाँ क्या बचा मेरे पास वन का स्क्वायर वन, वन को टू से मल्टीप्लाई किया टू, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन डू योर सेल्फ, तुम लोग खुद कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विकल्प चुनना है मतलब क्वेश्चन है क्या ऑब्जेक्टिव ना, बताओ क्वेश्चन क्या है। क्या है टू टेन थर्टी डिग्री बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें कैसे ज्ञात करेंगे, चलो आराम से ज्ञात कर लेंगे। टू टेन थर्टी डिग्री बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री बराबर, टू के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे टू ही रखेंगे, टू रखें और टेन थर्टी डिग्री, तो टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है वन बाई रूट थ्री बाई वन की जगह पर वन प्लस टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है वन बाई रूट थ्री स्क्वायर, तो स्क्वायर टू वन जा टू टू बाई रूट थ्री बाई यहाँ से वन प्लस वन का स्क्वायर क्या देगा वन और रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री रूट नाइन है, रूट नाइन मतलब कितना थ्री देगा, तो बाई थ्री यहाँ से हो गया टू बाई थ्री। ये डिवाइड का सिंबल है दे दिए, एक और तीन का एलसीएम दिए क्या दिया थ्री, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या छुपा है एक, एक और तीन का एलसीएम क्या देगा तीन, एक के बराबर तीन क्या मरतब आएगा तीन मरतब, तो तीन प्लस एक क्या होगा दो बट्टा तीन भागा चार बट्टा तीन, तो भाग है तो क्या चीज में कन्वर्ट होगा गुना में, दो बट्टा तीन गुने तीन बट्टा चार, तीन से तीन कैंसिल एक बट्टा दो, क्या वैल्यू दिया एक बट्टा दो, तो क्या यह ऑप्शन में है ऐसा नहीं होगा, नहीं है ना, तो चलो देखो वन बाई टू ध्यान समझना, वन बाई टू किस किस रेशियो का वैल्यू हो सकता है, तो एक बार ध्यान देना साइन जीरो जीरो साइन तीस वन बाई टू, यहाँ पर आंसर हो सकता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई टू होता है, या और भी सोचो कॉस 60 का वैल्यू हो सकता है ये कॉस 60 डिग्री, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है, ये दोनों आंसर होगा। एग्जाम में यह ऑप्शन ना दिया हो, एक नन ऑफ दीज भी दे दिया हो और ये दिया हो तो बच्चा क्या करता है नन ऑफ दीज, लेकिन नहीं, यहाँ देखो कॉस 60 का भी वैल्यू क्या हो रहा है 1 बाई टू ही होता है। हम पहले भी ट्रिक बता चुके हैं कैसे याद रखेंगे कि साइन का जो वैल्यू होता है जो ऑर्डर है ठीक उसका उल्टा ऑर्डर में क्या है कॉस का वैल्यू, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर लिख रहे हैं तो उसी वैल्यू को राइट से लेफ्ट की ओर लिख दे तो क्या चीज़ का वैल्यू हो जाता है वो कॉस का वैल्यू हो जाता है, ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन माइनस टेन स्क्वायर, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री बाय वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो बनाते हैं इसको भी। देखो वन तो वन माइनस तो माइनस टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन होता है, तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर बाई वन तो वन प्लस तो प्लस और टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू क्या होता है वन स्क्वायर तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर वन अब बाई वन प्लस वन, एक में से एक जाएगा तो कितना जीरो, अब बाई वन वन टू, कोई चीज में जीरो से डिवाइड करेंगे क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो है आंसर जीरो, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसा आंसर ना दिया हो तो साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो डिग्री होता है, अगर साइन जीरो लिखा होगा तो वो भी आंसर हो सकता है,
या हम ऐसे समझ सकते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है उस लिस्ट में अगर जिसका जिसका जीरो होगा वो सब आंसर उसका हो सकता है साइन के रिस्पेक्ट लिखेंगे तो। ठीक है चलो इतना नोट करो फिर आगे बता रहे हैं क्वेश्चन। ठीक देखो प्रश्न दो का थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जब a बराबर है। तो यहाँ पर a क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है उस चीज़ को समझो। a डिनोट करता है क्या चीज़ को एंगल को। किसको डिनोट कर रहा है एंगल को। तो a का मेरे पास वैल्यू है रखने के लिए 0 डिग्री भी रख सकते हैं 30 डिग्री भी रख सकते हैं 45 डिग्री भी रख सकते हैं 60 डिग्री भी रख सकते हैं। इस सभी मान में से कौन सा मान यहाँ रखेंगे कि दोनों आपस में बराबर होगा एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। एक प्रश्न बोल रहा है तो मेरे पास यहाँ पर है साइन 2a यह मेरा एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है एलएचएस बराबर है साइन 2a तो साइन 2 और a की जगह पर सबसे पहले हम लोग रखते हैं 0 डिग्री। ठीक है देखो साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 डिग्री आया साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। अगर हम लोग आरएचएस में भी यह वैल्यू रखते हैं आरएचएस बराबर है मेरे पास 2 साइन ए तो 2 की जगह पर 2 और साइन की जगह पर साइन और ए की जगह पर कितना 0 डिग्री तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0 तो 0 डिग्री पर एलएचएस आरएचएस के बराबर है। हम आगे इसी प्रकार चेक कर सकते हैं कोई आदमी का मन 30 डिग्री पर चेक करने का तो 30 पर चेक करते हैं तो देखो क्या होता है एलएचएस साइन 2a ए की जगह पर कितना 30 डिग्री तो क्या आ गया साइन क्या हो गया यह 60 डिग्री तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अगर आरएचएस चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन में 2 साइन और एक जगह पर 30 डिग्री तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 जैसे यह कैंसिल क्या आ गया 1। क्या इस स्थिति में एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो किस मान के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो साइन 0 डिग्री के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो कथन जो भी होगा जो दिया होगा ऑप्शन उसमें से कौन सही है तो 0 डिग्री के लिए अदरवाइज किसी भी वैल्यू पे बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर 2a लिखा है मतलब एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है अगर सामने लिखा है तो एंगल का जो वैल्यू आएगा जो वैल्यू पुट करने के बाद आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोनों वैल्यू क्या हो रहा है चेंज कर रहा है 0 पे चेंज नहीं कर रहा है और 30 पे चेंज कर रहा है 45 पे चेक कर लेंगे 60 पे कर लेंगे और 90 डिग्री पर भी हम चेक करके देख सकते हैं तो हम क्या पाएंगे सभी पे मान बराबर नहीं आते हैं केवल और केवल 0 डिग्री पर ही मान क्या है बराबर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसका 4 बता दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 2 10 30 by 1 minus 10 square 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर हम लोग 10 30 का वैल्यू कितना जानते हैं 1/√3 फिर 1 minus 10 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर यह क्वेश्चन भी तुम लोग खुद कर सकते हो तो डू योर सेल्फ। आज के लिए इतना ही फिर कल देखेंगे हम लोग आगे ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आएगा इस बीच में तो क्वेश्चन कर सकते हो ठीक।